हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, हमें इसमें से फर्स्ट नाम और लास्ट नाम को अलग करना है। नाम दो या तीन हो सकते हैं या फिर एक हो सकते हैं, ठीक है? अलग कैसे करें? तो चलिए, इसके लिए अगर दो नाम है तो क्या होगा, हम यहां पे फाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। फाइन यहां पे लेफ्ट के साथ कर लेता हूं, लेफ्ट इसको हमने सिलेक्ट किया और हमने बोला फाइंड। और फाइंड या सर्च दोनों को ले सकते हैं आप, स्पेस कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा वन। ये हमने जो वन लिखा है इसका क्या मैं यही मेन चीज है, मैं आपको बताता हूं, आपको अलग हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंग निकालने का। तो यहां भी हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से हम बोलेंगे कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, इसकी कंप्लीट लेंथ है, इस लेंथ में से माइनस कर दीजिए फाइंड स्पेस कॉमा इसको, और कॉमा हमने बोला हुआ है। तो आपका फर्स्ट नेम तो ठीक है पर सेकेंड नेम में दिक्कत है। फर्स्ट नेम में देखिए यहां दिक्कत आ गया। तो यहां हम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का, इफ एरर का फॉर्मूला हम लगाएंगे और यहां हम बोल देंगे कि अगर एरर हुआ तो जो नेम है उसी को सिलेक्ट कर। तो फर्स्ट नेम का फंडा हमारा क्लियर हो गया, समझ गए? फर्स्ट कैसे करेंगे? सेकेंड नेम का, तो सेकेंड नेम में अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो देखिए यहां कुमार सिंह हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा जी। यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूला यूज करने होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइंड का फॉर्मूला होता है, अगर उसमें हमने जैसे स्पेस को सिलेक्ट किया, इसमें अगर वन दिया तो ये पहले स्पेस का रिजल्ट दे देगा, लेकिन दूसरे स्पेस से चाहिए तो वन का मतलब क्या होता है पता है सर, कि आपकी फाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए, मतलब को कहाँ से ढूंढना शुरू करेगा। तो हमने बोला कि दूसरे फाइंड में, कि पहले फाइंड में प्लस वन, हमने क्या बोला, पहला फाइंड प्लस वन, मतलब कि आठवें से ढूंढना शुरू करो तो ये आपको 13 मतलब कि दूसरा स्पेस दे, समझ गए? क्लियर है? यहां पे हम करेंगे लेफ्ट राइट राइट राइट, हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि लेन, इसकी कंप्लीट लेन में से माइनस हो फाइन, और फाइन में हमने बोला स्पेस और हमने सेलेक्ट कर लिया सेम ए टू। और यहां पे हम जो वन लिखते थे, वन के जगह पे मैं एक और फाइन लगा, ठीक है? तो आपका यहां पे आया प्लस वन एरर आएगा क्योंकि उसमें 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 दूसरा है ही नहीं ना। मुझे यहां पे देना हो फॉर्मूला कि अगर मेरा दूसरा फाइंड का मेथड अगर एरर आए तो पहले फाइंड वाला मेथड पे चले, मतलब कि अगर डबल नेम नहीं है तो सिंगल नेम होगा। उसके लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे, इफ पहले को सिलेक्ट किया कॉमा दूसरे को सिलेक्ट किया, आ गया रिजल्ट। हम इन दोनों फॉर्मूले को कॉपी करके इफ एरर के अंदर में डाल देता हूं, डी टू पहले फॉर्म। अब इसको कट करके मैं यहां डालता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं। यहां एरर आया क्योंकि इसमें कोई ना दूसरा नाम है ना तीसरा नाम, इसमें एरर आना स्वाभाविक है। तो मुझे एक और इफ एरर लगाना होगा इसमें, और ये पूरे इफ एरर को इसके अंदर में डाल देते और यहां पे ब्लैंक ए फॉर्मूला बनेगी। समझ गया? दो नाम हो या तीन नाम, इसको अलग किया जा सकता है।
अब चार नाम हो तो इसमें आगे इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, फाइन प्लस फाइन, फाइन प्लस फाइन। लेकिन अगर ज्यादा हो तो हम वीवीए का मेथड यूज करते हैं। वीवीए में एक फॉर्मूला होता है इन एस टी आर रिवर्स, जो कि लास्ट से ढूंढता है, इधर से ढूंढता है और ये देता है, तो बेटर होता है। समझे? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? अब चलिए इसमें हम देखते हैं कोई फॉर्मूला हमारा टेक्स्ट में रह तो नहीं गया है। तो हमने कैर क्लीन कोड कर लिया है, कॉनकेट वगैरह किया है ना, कॉनकेट डॉलर एग्जैक्ट तो कर चुका है ना सर? हेलो जी सर, यूनिचेयर क्या है सर? कोई कोड है, कैर कोड को यूनिक कैर कोड कर दिया है, कोई खास नहीं चेंज नहीं। तो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मूला कवर हो गया, राइट? अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन से। तो आज हम आपको डेट की कैलकुलेशन समझाएंगे और उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि डेट कैसे लिखा जाता है एक्सेल में। तो देखिए आपका सिस्टम, यहां देखिए कौन सा फॉर्मेट है, ये है MMDDYY। तो आज का डेट डालने के लिए यहां पे 519 करना पड़ेगा। अभी करेंट ईयर का डेट है तो एंटर मार दूंगा, अगर प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर का है तो ईयर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका DDMMY हुआ तो फिर इसको इस तरह से डालना पड़ेगा। तो आप यहां देख लीजिएगा आपका सिस्टम का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है बहुत। अगर अगर मेरा सिस्टम MMDDYY पे है, अगर मैंने आपको भेज दिया 5 अप्रैल, तो आपके सिस्टम पे अगर DDMMYY है तो आपके सिस्टम पे ये हो जाएगा 4 मई, मतलब कि मंथ और डे स्वैप हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है डेट फॉर्मूले में आप डाल दीजिए कि 2020, मंथ हो गया हमारा 5 एंड 19। आप किसी भी सिस्टम डेट पे जाएगा वो अपने आप को चेंज करता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके? समझ गए? आगे बढ़ते हैं इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे डेट यहाँ पे डाला हुआ है, मुझे इसमें से अलग अलग करना है, तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से ईयर को अलग करता है, हमारे पास मंथ का फॉर्मूला है जो इसमें से मंथ को अलग करता है, मुझे इसमें से डे का फॉर्मूला है जो कि डे को अलग करता है, फिर डेट का फॉर्मूला हम इन तीनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं। डेट फॉर्मूला से ए आपस में कंबाइन हो जाएगा। ओके? डेट से आपस में कंबाइन हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि किसी पर्टिकुलर डेट, जैसे सिस्टम डेट चाहिए तो हमारे पास टुडे का फॉर्मूला है जो सिस्टम डेट देता है, और नाउ का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों देता है, और ये अपने आप को चेंज भी करते रहता है दोनों फॉर्मूला। अब मुझे जो डेट है उसमें मान लीजिए 20 दिन जोड़ने हैं जस्ट, तो आप इसमें जस्ट प्लस 20 कर दीजिए, आपके सामने 20 दिन ऐड हो जाएगा। मुझे इस डेट में मान लीजिए कि 2 महीने जोड़ने, तो इसके लिए हमारे पास ई ओ मंथ का फॉर्मूला होता है, तो माफ कीजिए ई डेट का, ई ओ मंथ दूसरा होता है, ई डेट। ई डेट फॉर्मूला क्या करता है कि इसमें 2 दिन जोड़ देता है, फॉर्मेट पे कर लीजिए आ जाएगा। अगर आपको घर माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, तो आपका ये माइनस करके देते मंथ। देखिए मुझे किसी डेट में मान लीजिए कि 2 साल 4 महीने 22 दिन ऐड करने, तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला मेथड है जिसे हम अलग अलग करके फिर हम कंबाइन किया था उसका यूज कर सकते हैं। तो हम यहां देंगे डेट, और डेट में से हम ईयर को अलग करेंगे, और इस ईयर पे हमने 2 साल जोड़ दी।
फिर यहाँ पे हम मंथ का फॉर्मूला लेंगे, इसमें से मंथ को अलग करेंगे n प्लस फोर, और डे हमने यहाँ पे डे को जोड़ा और इसमें 22 था। क्या सर यह मंथ एंड डे इस तरह से जुड़ के आपके सामने रिजल्ट रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से डेट में आप कोई भी पीरियड को जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ये करने का डेट में डिफरेंस निकालने का, वो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर सकते हैं, या फिर यहां पे एक फॉर्मूला आया है डेज का, डेज फॉर्मूला लेटेस्ट कॉमा एंड कर सकते हैं, लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए आप। एक होता है यहाँ पे डे 360, क्या है डे 360, वो भी डिफरेंस निकालता है, लेकिन ये डिफरेंस निकालता है साल को 365 दिन मानता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 365 दिन का ही होता है, इसलिए 365 दिन ही मानता है। लेकिन मुझे दोनों के बीच में नेटवर्क डे चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे नेटवर्किंग डे मतलब कि सैटरडे संडे छोड़ के नंबर डेट कितने हुए, या फिर कोई हॉलीडे मतलब कि छुट्टियां कितनी थी, एक्चुअल वर्किंग डे क्या था, तो छुट्टी का लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, जो भी लिस्ट है पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, जो इस डेट के पीरियड में होगा उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 17 मार्च को होली थी, समझ लीजिए 17 मार्च आपने यहाँ पे दे दिया, तो देखिए यहाँ पे इग्नोर कर दिया। लेकिन सैटरडे संडे अभी इग्नोर कर रहा है, लेकिन मेरा सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, मंडे होता है, ट्यूजडे होता है, फ्राइडे सैटरडे होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आपने देखा यहाँ नेटवर्क डेज डॉट imtl, अब ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला 2010 ऑनवर्ड है, 2007 में नहीं मिलेगा। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हॉलीडे सेलेक्ट कर लीजिए, हॉलीडे कौन सा है हमारा। तो मान लीजिए कि हमारा हॉलीडे सिर्फ संडे होता है, या ये जो हॉलीडे मतलब वीकेंड के अलावा हॉलीडे सेलेक्ट कर लीजिए, जो 15 अगस्त 26 जनवरी छुट्टी होती है, कंपनी बंद होती है, या बता देगा कि 119 दिन ऑफ था। उसी तरीके से मुझे वर्किंग डे चाहिए, मतलब कि आज मैंने कोई कंप्लेन बुक किया, आज मैंने अपनी एक कंप्लेन बुक की और बैंक ने बोला कि 3 वर्किंग डे का टाइम लगेगा, 3 वर्किंग डे का, या फिर 13 वर्किंग डे का, तो आफ्टर 13 डेज क्या होगा? तो उसके लिए यहां पे हमारे सामने होता है वर्क डे, वर्क डे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और हॉलीडे में हमने अपना हॉलीडे लिस्ट सिलेक्ट किया, बता देगा कि आफ्टर 13 वर्किंग डेज हमारा ये आएगा सैटरडे एंड संडे इग्नोर्ड है, बट मुझे सैटरडे संडे नहीं संडे इग्नोर करना है, तो वर्क डे डॉट आईएलडीएल और सेम फॉर्मूला 2007 में नहीं है, हमने इसको सिलेक्ट किया, डे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने अपना वीकेंड्स को सिलेक्ट किया, उसके अलावा हम यहाँ पे हॉलीडे को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने डेट आ जाए, डेट डिफरेंस की हुई। तो हम किसी डेट में कोई कुछ पीरियड को ऐड करना आपने सीख लिया, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना आपने सीख लिया, ठीक है सर। अब जैसे कि हम अगर कोई डेट लेते हैं, तो आपने देखा कि डेट में से हमने यहां पे ईयर मंथ अलग किया था, नंबर में था, मुझे टेक्स्ट में चाहिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप दे दीजिए, जैसे मुझे अगर मंथ चाहिए तो MMM कर दिया, तो मंथ आ गया, मुझे मंथ और ईयर दोनों चाहिए तो डैश वाई, आप कस्टम फॉर्मेटिंग के तरह जो भी फॉर्मेट डालेंगे वो आपका सेपरेट करके दे देगा। ओके, अब मुझे किसी अब क्या हमें एक प्रॉब्लम और होती है कि कोई पर्टिकुलर डेट का एंड ऑफ मंथ डेट क्या होता है, मतलब कि 19 तारीख है तो अगली डेट क्या होगी, मतलब इस महीने की लास्ट डेट क्या,
तो इसके हमने यहाँ पे ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है जो बताता है कि इस महीने की लास्ट डेट कौन सा है। हमने वन कर दिया तो सॉरी जीरो किया तो, अगर मैंने वन किया तो नेक्स्ट मंथ का, अगर हमने माइनस वन किया तो प्रीवियस मंथ का। तो यहां जैसे आप डालेंगे उस तरह से आपको पीरियड में देगा। क्लियर है? जो डाउट सर? सर एक चीज बताइए ना, जो वन ले रहे हैं तो डे क्यों नहीं ले रहा, मंथ में क्यों ले रहा है? कौन सा? जैसे आप अभी वन डाले ना सर, तो ईओ मंथ है ना, एंड ऑफ द मंथ का नेम दिखाता ना सर, तो डे करने से क्या फायदा है इसको? अगर माइनस वन कर देगा तो 29 तारीख थोड़ी दिखा देगा, फायदा क्या हो 29 तारीख दिखाने का? इसका यूज होता है जैसे कि हमारे पास 12 महीने हैं, हर महीने का फर्स्ट डेट तो इस फिक्स होता है पर लास्ट डे अलग अलग होता है। तो अगर आपको दो एक मान लीजिए जनवरी का डेटा उठाना है, फरवरी का डेटा उठाना है, तो जनवरी का डेटा में आपको स्टार्ट डेट 1 जनवरी आ गया, तो एंड डेट तो हर में किसी में अलग अलग लिखना पड़ जाएगा ना, भैया आपको मैनुअली लिखना पड़ जाएगा ना सर। तो वहां पे आप ईओ मंथ लगा लीजिए जहां आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्टार्ट डेट एंड डेट। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस महीने करेंट मंथ का स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए, हमारे पास टुडे का फॉर्मूला है जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है, तो मैं क्या करूंगा ईओ मंथ लगाऊंगा और यहां पे दूंगा टुडे, और यहां पे अगर कॉमा जीरो कर दिया तो इसी महीने का लास्ट डेट दे देगा, क्योंकि मुझे यहां तो स्टार्ट डेट चाहिए, तो मैंने यहां पे माइनस वन किया। अब बोलेंगे सर माइनस वन करेंगे तो प्रीवियस मंथ का मतलब कि ये आपको दे दिया 30 अप्रैल का लास्ट डेट दे दिया ना, मैं इसमें प्लस वन कर दूंगा, तो प्रीवियस मंथ के लास्ट डे प्लस वन दिस मंथ का करेंट स्टार्ट डेट, और फिर यहां पे हम ईओ मंथ लगाएंगे और कॉमा जीरो कर देंगे, महीने का एंड डेट आ गया। तो ये फॉर्मूला से मुझे हर महीने के स्टार्ट डेट और एंड डेट कैलकुलेट करने में आसानी होगी, जिसके बिहाफ पे हम आगे कैलकुलेशन वगैरह कर सकें, समरी वगैरह निकाल सकें। समझ में आया? समझे सर। मंथ का फॉर्मूला तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और बस के रहिएगा, साइक्लोन आ रहा है।